आप सभी को मेरा प्रणाम है। किराड़ी विधानसभा की रहने वाली बेटी हूँ। मेरा नाम कंचन झा है। मेरी शादी ठीक आज से 10 महीने पहले विधायक प्रतिनिधि सौरभ झा के साथ हुई थी। शादी का प्रस्ताव स्वयं सौरभ झा और किराड़ी के विधायक ऋतुराज झा जी के साथ वो लेकर आए थे। जब मेरे पिताजी ने शादी के लिए उनसे 4 दिन का समय मांगा तो विधायक जी समय ना देते हुए कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वार्ड 44 से निगम पार्षद के लिए सौरभ झा को टिकट दी जाएगी जिसके लिए मुझे दस्तावेज आगे भेजने हैं, आप यह शादी 1 दिन के अंदर कीजिए। इस विश्वास पर मेरे पिताजी ने मेरी शादी सौरभ झा के साथ की और शादी के अगले दिन ही पता चलता है कि सौरभ झा को टिकट नहीं दी जाएगी। शादी के कुछ दिन बहुत अच्छे तरह बीतते रहे, फिर उसके बाद सौरभ झा और मेरे बीच बहुत विवाद शुरू होने लगे। सौरभ झा के बहुत सी मतलब क्या कहते हैं, सौरभ झा का किसी दूसरी औरत से संबंध भी था और क्या कहते हैं इस सर है वह मेरे से लड़ाई झगड़ा भी करता रहता था जो एक पत्नी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो लोग ये सोशल मीडिया पे तरह तरह की पोस्ट डाल रहे हैं कि दूसरों के घर बर्बाद ना कीजिए, जोड़िए, ये क्या कहते हैं राजनीति मत खेलिए, लेकिन यह मेरे पे क्या बीत रही है मुझे ही पता है। आज मैंने 9 महीने अपने पेट में बच्ची को पालकर कैसे ये दिन काटे हैं मुझे ही पता है। सौरभ झा ने एक बार भी मेरी खबर लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब आज 22 दिसंबर को मैं सौरभ झा के घर सुबह 9 बजे अपनी बेटी को लेकर पहुंची तो वह मुझे कहता है ना ये मेरी बेटी है और ना ही तू मेरी दीदी है और ना ही मेरा तेरे से कोई रिश्ता है और ना ही मैं तुझे रखूंगा, तुझे जो करना है कर ले। अब आप ही बताइए मैं अपनी बेटी और अपनी हक के लिए लड़ाई कैसे ना लड़ूं। आज ये आम आदमी पार्टी वाले मेरी कहां से कहीं से भी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। ये लोग महिलाओं का सम्मान दिलाने वाले ऐसे पाखंडी ढोंग करने वाले कहते हैं कि हम न्याय करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज ये आम आदमी पार्टी वाले कहाँ है, है? ऋतुराज झा जी को यह बात MLA ऋतुराज झा जी को यह बात पूरे 5 महीने पहले पता थी, है? और उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को आश्वासन दिया था कि क्या कहते हैं मैं इस मैटर को 15 दिन के अंदर शॉर्ट आउट करवा दूंगा। आज 5 महीने हो गए लेकिन कुछ नहीं। इसीलिए मुझे अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मेरी जो भी सहायता लोग करेंगे है मैं उसके लिए क्या कहते हैं आगे बढ़ूंगी उनका साथ लेकर। और मैं क्या कहते हैं मुझे न्याय चाहिए और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप मेरी बेटी और मेरे लिए जो उचित न्याय है उसके लिए आप मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।